उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर लंपी वायरस पैर पसार रहा है, गायों का दुश्मन बनता जा रहा है पाकिस्तानी लंपी वायरस। पशुओं में लंपी वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, यूपी की सीएम ऑफिस से जारी किया गया है अलर्ट। संक्रमित पशु की मृत होने पर अंतिम क्रिया पूरे मेडिकल प्रोटोकॉल से कराई जाए, सीएम ऑफिस ने ये निर्देश जारी किया है। पशु टीकाकरण का विशेष अभियान चलाने का निर्देश जारी किया गया है। पशुओं में लंपी वायरस को लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया है, सीएम ऑफिस ने लंपी वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है। यूपी के सीएम ऑफिस से जारी किया गया है अलर्ट, मक्खी और मच्छर से फैलने वाला वायरस है लंपी। यूपी से बड़ी खबर आ रही है, ग्राम विकास व नगर विकास विभाग को स्वच्छता अभियान चलाने को कहा गया है, सीएम ऑफिस ने लंपी वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में पैर पसारता जा रहा है लंपी वायरस, पशुओं में फैल रहा है लंपी वायरस। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, स्थिति सामान्य होने तक सभी तरह के पशु मेले लगाने पर रोक लगा दी गई है। हम आपको बता दें कि राजस्थान में इस वायरस से हजारों गाय पहले ही मर चुकी हैं, पशुओं को निशाना बना रहा है ये लंपी वायरस। यूपी के सीएम ऑफिस से जारी किया गया है अलर्ट, उत्तर प्रदेश में पैर पसार रहा है लंपी वायरस। लंपी वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है यूपी से, ये बड़ी खबर आ रही है। निदेशक पशुपालन विभाग डॉक्टर इंद्रमण ने आपात बैठक ली है लंपी वायरस को लेकर। यूपी के सीएम ऑफिस से इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, कहा गया है कि बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है, इसलिए पशुपालक सावधान रहे। संक्रमित पशु की मृत होने पर अंतिम क्रिया पूरे मेडिकल प्रोटोकॉल से कराई जाए, सीएम ऑफिस ने ये निर्देश जारी किया है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पर लंपी वायरस पैर पसार रहा है, गायों का दुश्मन बनता जा रहा है पाकिस्तानी लंपी वायरस। पशुओं में लंपी वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को राजधानी लखनऊ में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पशुपालन विभाग के निदेशक प्रशासन एवं विकास डॉक्टर इंद्रमणि ने लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम व बचाव की कार्य योजना बनाने के लिए जनपद स्तरीय गो संरक्षण समिति की बैठक आहूत की है। बैठक में पशुपालकों को सलाह दी गई है कि इस बीमारी के प्रारंभिक लक्षण नजर आने पर पशुओं को दूसरे जानवरों से अलग कर दें, इलाज के लिए नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र से संपर्क करें, बीमार पशु को चारा पानी और दाना की व्यवस्था अलग बर्तनों में करें, रोगग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं की आवाजाही रोकें, जहां ऐसे पशु हों वहां नीम के पत्तों को जलाकर धुआं करें जिससे मक्खी मच्छर आदि को भगाया जा सके, पशुओं के रहने वाली जगह की दीवारों में आ रही दरार या छेद को चूने से भर दें, इसके साथ कपूर की गोलियां भी रखी जा सकती हैं, इससे मक्खी मच्छर दूर रहते हैं। जानवरों को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट के 2-3% घोल का छिड़काव करने की सलाह भी दी गई है। मरने वाले जानवरों के संपर्क में रही वस्तुओं और जगह को फिनाइल और लाल दवा से साफ करने को कहा गया है। संक्रामक रोग से मृत पशु को गांव के बाहर लगभग 1.5 मीटर गहरे गड्ढे में चूने या नमक के साथ दफनाने के निर्देश दिए गए हैं।